दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में भाजपा दफ्तर के पास प्रदर्शन किया और कहा कि भाजपा के षड्यंत्र के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल से डरते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम घूम कर सरकार गिरा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं गिरा पाए तो षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। पूरा देश जानता है कि छगन भुजमाल के मामले में तो ईडी ने कह दिया कि हमारे हाथ से फाइल गुम हो गई। आम आदमी पार्टी के चार बड़े नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया। पूरा देश जानता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी देश भर में जाने जाते हैं, विदेशों में भी जाने जाते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले नेता के रूप में, सबसे अच्छे तरीके से सरकार चलाने वाले नेता के रूप में। जब इनको भारतीय जनता पार्टी हरा नहीं पाई, पूरे देश में मोदी जी घूम घूम के अलग अलग जगह की सरकारें गिराते रहे, तोड़ते रहे, डरा करके तोड़ते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जब नहीं तोड़ पाए तो इन्होंने षड्यंत्र के तहत राजनीतिक गिरफ्तारी की। कल ईडी का दुरुपयोग करते हुए पूरा देश जानता है कि कभी अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, छगन भुजबल के मामले में तो ईडी ने कहा कि हमारे पास से फाइल गुम हो गई, और आम आदमी पार्टी के चार चार नेताओं को आपने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़े शर्म की बात है, और इस गिरफ्तारी से साफ जाहिर होता है कि देश में अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।